एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 15 से 16 ऐसे प्लांट जो कि बॉन्साई बनाया जा सकता है, और मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आप भी सेम टू सेम वो काम कर सकें। एग्जैक्टली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्लांट चाहिए होता है। आप डिफरेंट प्लांट के साथ जरूर ट्राई करना। अच्छा दोस्तों, काफ़ी मज़ा आया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि आप कौन सा नया प्लांट लेकर आए हैं, तो आप में से 80% लोगों ने कहा कि हिबिस्कस का प्लांट है। ओके, अब आपके लिए फिर से एक और नया क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, आप में से सारे 100% जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके पास कितने तरह के हिबिस्कस प्लांट है। ओके, मैं मेरा बताता हूँ। मेरे पास वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, हाँ मेरे पास पिंक, मेरे पास 5 कलर के फ्लावर वाला हिबिस्कस प्लांट है। मतलब टोटल 5 प्लांट है जिनके अंदर अलग अलग 5 कलर आते हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपके पास कितने हिबिस्कस के प्लांट हैं और कौन कौन से कलर वाले हैं, कमेंट में बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने पिछले वीडियो में भी हमारा टारगेट पूरा कर दिया, वो था 4000 लाइक का, बट इस बार हम चाहते हैं हमारा कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा बने, और ज़्यादा बेटर बने। इस बार आप कोशिश करना 5000 लाइक, जल्दी से जल्दी जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं 5000 लाइक इस वीडियो के ऊपर डालें ताकि हमारा और ज़्यादा कनेक्शन बने और मैं और ज़्यादा और जल्दी आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बेनियन बॉन्साई। और दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये एक ये ओल्ड टेंपल स्टाइल में बनाया गया है, और अगर आप चाहें तो आप भी इसे सेम टू सेम ऐसा बना सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक बेनियन ट्री लेकर आना है और उसको करीब करीब 1 से 2 साल ग्रो करना है एक बड़े से पॉट के अंदर, और उसके बाद वो कुछ इस तरह की रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और उन रूट्स को आपको कैसे रिमूव करना है और कैसे क्या करना है, चलिए देखते हैं। मिनी हाउस से पहले ये एक फ्लावर पॉट के ऊपर रखा गया था, बट जैसे ही हमारे पास एक मिनी हाउस आया हमने तुरंत ही इसको रिप्लेस कर दिया। और ये देखिए हमने कैसे इसको रिप्लेस कराया, पहले इस फ्लावर पॉट से इसकी रूट्स को फ्री करा और उसके बाद हमने एक हाउस लगा दिया। आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है, और इसकी जो जो लॉन्ग लॉन्ग रूट्स है उसको आप अपने मिनी हाउस से टाई अप कर दें ताकि प्लांट अपनी जगह से हिले ना। और बस उसके बाद आपको 1 साल वेट करना है, और 1 साल के बाद आपको कुछ इस तरह का खूबसूरत सा बेनियन ट्री बॉन्साई मिल जाएगा। नंबर 2, नीम बॉन्साई। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट लंबे समय तक चलता रहे तो आप नीम बॉन्साई जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये प्लांट इजीली मरता नहीं है और किसी भी पॉट में इजीली सर्वाइव कर जाता है, और अगर रेगुलर प्रूनिंग करी जाए तो कोई भी प्लांट बहुत खूबसूरत शेप ले सकता है। और इस नीम प्लांट की सबसे खास बात यह है कि इसकी रूट्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अनोखे शेप में है, तो आप डेफिनेटली एक ऐसा नीम का प्लांट लेकर आएँ जिसके अंदर रूट्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, और आप भी एक नीम बॉन्साई ट्राई करें। देखें हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले तो हमने इसको इस बॉन्साई ट्रे में ट्रांसफ़र करा और उसके बाद इसको ग्रो होने दिया। करीब करीब ये 2 फीट का हो गया, और उसके बाद हमने इसकी हाइट 1 फीट की कर दी, और बस उसके बाद हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्लांट ने मल्टीपल ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर दिया, तो हमने इसकी फर्दर प्रूनिंग करी और इसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी। आने वाले समय में दोस्तों ये जो बड़ा सा नीम का पेड़ होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही नज़र आएगा। नंबर 3, जेड बॉन्साई। और दोस्तों मेरा फेवरेट होने के साथ ही काफ़ी सारे बॉन्साई लवर का भी फेवरेट प्लांट है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जल्दी शेप ले लेता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। इसको डिफरेंट शेप एंड साइज़ में हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट टॉवर ऑगस्ट स्टाइल है, और ये वन ऑफ द बेस्ट बॉन्साई स्टाइल है दोस्तों। एक प्लांट जो कि चट्टानों के ऊपर से अपनी जड़ें निकाल कर सॉइल में भेज रहा है वो, और नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक बड़े से ट्री के नीचे ही हम खड़े हैं। काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको इस प्लांट को कम से कम 2 साल तक ग्रो होने देना है, और उसके बाद ही कोई शेप डिसाइड करना है, तभी आपका प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो होगा और कोई शेप ले पाएगा। चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं पैडिंग कैसे बनाना है, क्योंकि जेड प्लांट में पैडिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे इस रूट ऑफ रॉक स्टाइल में। सबसे पहले इस प्लांट को आप बढ़ने दें,
जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी जल्दी हमारे पास स्पेडिंग क्रिएट होगी। तो हम करीब करीब हर 6 महीने में इसकी प्रूनिंग करते हैं, उससे पहले इसको प्रून नहीं करते हैं। आप देख लें यहाँ पर कितना ज़्यादा ये हेल्दी और घना हो चुका है। अब आपका सवाल होगा कि कौन सी ब्रांच को प्रून करना है। तो दोस्तों, जिस ब्रांच का डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, मतलब जो ब्रांच नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, उसे हम कट करेंगे, और जो ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है वो ब्यूटीफुल पैट क्रिएट करेगी। और अगर आपका जेड प्लांट बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड ग्रो हो रहा है, तो एक बार आप नियरली अपने पॉट की लेंथ के बराबर सारी की सारी ब्रांचेस कट करेंगे, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि एक्स्ट्रा कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उन्हें हम कट कर सकते हैं। नंबर 4, साइकस पाम। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी बॉन्साई बनाई जा सकती है। और आप यहाँ पर ध्यान से अगर देख रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत और मल्टीपल इसके शूट्स निकल रहे हैं। मतलब एक सिंगल प्लांट नहीं है यहाँ पर, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे प्लांट हैं, और इनको हमने साथ में ही रहने दिया, और हमने एक ब्यूटीफुल आइडिया डेवलप किया, वो है इसको एक बॉन्साई पॉट में शिफ्ट करना। चलिए इसे देखते हैं कैसे शिफ्ट करते हैं और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक ये है कि आपको जब भी प्लांट मिले, आप हमेशा मल्टीपल शूट वाला साइकस पाम ही सेलेक्ट करना। सिंगल वाला लोगे तो वो एक नॉर्मल प्लांट के जैसा लगेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारी यही है कि इसका सारा का सारा सॉइल रिमूव करना है, और उसके बाद एक बॉन्साई ट्रे में हम शिफ्ट कर देंगे। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप भी कर सकते हैं, बस प्लांट सेलेक्शन का आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, फाइकस बॉन्साई। और दोस्तों ये फाइकस माइक्रो कार्पा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, और बहुत जल्दी रूट भी प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी एरियल रूट्स भी प्रोड्यूस करता है। जितनी ट्रिमिंग करोगे उतना जल्दी बढ़ेगा, इसलिए हमने इस प्लांट को सेलेक्ट करा है। और दोस्तों ये 5th पॉइंट हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ नोटिस कर रहे हो अगर आप या नहीं कर रहे हो, ध्यान से आप देखो, प्लांट की ब्रांच के नीचे हमने वी कट लगा रखे हैं। अब ये वी कट तब लगाए जाते हैं जब प्लांट की ब्रांच काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, और वो या तो वायर या फिर थ्रेड की मदद से झुकती नहीं है, तो हमें वी कट लगा के उस ब्रांच को मोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं। ये हमारा फाइकस का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, और अगर आप इसकी ब्रांच पे नज़र डाल रहे हैं तो काफ़ी मोटी मोटी ब्रांचेस है और काफ़ी रिजिड हो चुकी है। अब हमने सेलेक्ट करा है इस ब्रांच को जिससे हमें मोड़ना है। तो मोड़ने का तरीका दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये ब्रांच टूट जाएगी, और अगर आप सोच रहे हैं कि सारी ब्रांच रिमूव करके फिर से स्टार्ट करें तो हमें प्रोसेस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास पहले से ही मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, इसलिए हम इन्हें बेंड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हैं, छोटी आरी, चक्कू, ब्लेड वगैरह। अब कट कितना करना है वो ध्यान से सुन ले। आपको अपनी ब्रांच की मोटाई का 1/4 एरिया कट कर सकते हैं। अगर 1/4 एरिया से ज़्यादा कट करा तो आपकी ब्रांच मर सकती है इन फ्यूचर, या फिर टूट सकती है। तो बस हल्के हाथों से कट लगाते जाइए, और वी कट सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर। इस प्रोसेस में दोस्तों आपको मल्टीपल वी कट्स लगाने पड़ सकते हैं अगर आपकी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और हमारे इस केस में ऐसा ही हो रहा है, हमारी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, मुड़ ही नहीं रही है। तो चलिए दोस्तों, दो से तीन और वी कट लगा देते हैं, और उसके बाद इसे बैंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स जो लगेगा वो थ्रेड के थ्रू ही लगेगा, मतलब एक रस्सी बांध के ही लगाना। दोस्तों आप अपने हाथों से प्रेशर लगाओगे तो ब्रांच टूट सकती है। आप देख लें कितने सिंपल वे में हम बैंड कर रहे हैं, और ये दोस्तों एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको महीने में 4 बार ऐसे प्रेशर लगा के इसको बैंड करना है, तभी ये बैंड होगी। नंबर 6, रोज़ प्लांट। और दोस्तों रोज़ प्लांट किसे पसंद नहीं होता है, और क्या आपने कभी सोचा था इसका बॉन्साई बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके पास मोटी कटिंग अवेलेबल हो जाए, या फिर अगर आपके पास एक हेल्दी रोज़ प्लांट है तो उसका भी बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी रोज़ प्लांट सेलेक्ट करना होगा जिसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बेनिफिट देने वाली है। ये वाले स्टेप बड़े ध्यान से करना दोस्तों। आपको रूट बॉल को हाफ़ कट करना है। सबसे पहले तो पॉलीबैग से आप सारा का सारा रूट बॉल अलग कर लीजिए, और उसके बाद किसी भी नाइफ की मदद से आप उस रूट बॉल को हाफ़ में कर दीजिए। एंड फाइनली एक बॉन्साई ट्रे सेलेक्ट करें और उसमें उसे ग्रो कर दें। बहुत सिंपल था ना। चलिए देखते हैं मोटे मोटे रोज़ की कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं। सो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये ब्यूटीफुल रोज़ेस, वो भी एक बॉन्साई ट्रे के अंदर? तो डेफिनेटली आप इस बार ट्राई करना, वैसे भी रोज़ का सीज़न आने ही वाला है। और नेक्स्ट, अगर आप इतने ज़्यादा लकी है हमारे जितने, और अगर आपके पास मोटे मोटे रोज़ प्लांट की कटिंग है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला प्रोसेस ट्राई करना चाहिए। आपको मोटे मोटे रोज़ की कटिंग लेकर आनी है, वो भी जड़ों के समेत, और उन्हें ग्रो करना है एक बॉन्साई ट्रे के अंदर। दोस्तों आने वाले समय में ये बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई बनने वाले हैं, डेफ़िनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारा, आप डेफ़िनेटली
YouTube पर सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। नंबर 7 बोगनवेलिया बॉन्साई। और दोस्तों ये बहुत ही रिजिड प्लांट होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है। इजीली बॉन्साई बन जाता है, बस आपको करेक्ट शेप का ब्रांच कट करके लाना है और कभी हरा तो कभी लाल। आपको शायद ये बॉन्साई बहुत पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब बोगनवेलिया अपनी सारी लीफ गिरा देता है और पूरा का पूरा उसी कलर का हो जाता है जिस कलर का वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास रेड कलर का बोगनवेलिया है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये बोगनवेलिया बॉन्साई। बनाने का ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो एक मोटी कटिंग चूज़ करनी होगी अब बड़े से प्लांट के अंदर से, वहाँ से आप कट कर कर लेके आइए और उसके बाद उसको दोस्तों धीरे धीरे शेप देने लग जाइए। बहुत सारे शेप होते हैं एक बॉन्साई के अंदर, आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी ब्रांच किस वे में जा रही है। जैसे हमारी ये वाली बोगनवेलिया कटिंग एक राफ्ट स्टाइल लेने वाली है कुछ ही दिनों में। फिलहाल तो हमने इसको इस बॉन्साई ट्रे में ग्रो करा है और आपने अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो देखा ही होगा। और दूसरी ये वाली कटिंग दोस्तों एक अम्ब्रेला पैटर्न ले रही है, काफ़ी जल्दी ये बहुत खूबसूरत शेप लेने वाले हैं दोनों के दोनों बॉन्साई। अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नंबर 8 फाइकस बॉन्साई। और दोस्तों ये फाइकस पांडा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, ईजिली मरता नहीं है और स्टार्टर या फिर बिगनर के लिए बहुत सही प्लांट है। आपको एक मोटा प्लांट लेके आना है, काफ़ी ज़्यादा मोटा, आपको नियरली ये 1500 से 2000 के बीच में ही मिलेगा। इतना मोटा होगा तो बेस्ट रहेगा क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं हम इसका बॉन्साई कैसे बनाएंगे। वैसे तो हमारा फाइकस पांडा काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होता ही जा रहा है, बट अगर हम इसे बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इसे कट करना होगा और ट्रंक की जितनी मोटाई होती है उसकी 3 गुनाई उसकी हाइट होती है, तो उसी शेप में हम इसे कट कर देंगे। और हम जो ये मोटी मोटी कटिंग काट रहे हैं इनको फेंकना नहीं है, इनका रीयूज़ करेंगे, वो भी एक यूनिक तरीके से। और दोस्तों ट्रिक ये है कि ये तीनों कटिंग को हम टाई अप करके एक साथ ही ग्रो करने वाले हैं क्योंकि फाइकस का प्लांट है तो अपने आप में बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब ये 3 कटिंग 2-3 साल में ये एक ही कटिंग नज़र आने लग जाएगी, तो बहुत सही मौका है, इनको टाई अप कर देते हैं और ग्रो कर देते हैं। हमारे फाइकस की कटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रूट्स भी प्रोड्यूस कर दिए और काफ़ी हेल्दी भी नज़र आ रहा है दोस्तों ये प्लांट। बस एक रेनी सीजन और बस उसके बाद ये बहुत सारी रूट प्रोड्यूस करने वाला है और हमारा फाइकस ट्रंक फ्यूज़ होने वाला है। हमारे फाइकस बॉन्साई की बारी है दोस्तों और इसकी रूट्स हमें कट करनी होगी क्योंकि एक बॉन्साई ट्रे में इतनी स्पेस नहीं होती है कि उसकी सारी रूट्स आ जाए, तो 50% आपको रूट कट करनी होगी और उसके बाद आप इसे डायरेक्टली शिफ्ट कर दें एक बॉन्साई ट्रे के अंदर और बस ग्रोथ का वेट करें। नंबर 9 पोनीटेल पाम। और दोस्तों ये प्लांट इतना ज़्यादा रिजिड है कि अब इसको 10-15 दिन तक पानी नहीं देंगे ना तो भी प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, और अगर इसकी बॉन्साई बनानी है तो आपको इसका सॉइल मिक्स पूरा रिमूव करना होगा, इसकी टॉप कट करनी होगी, इंतज़ार करना होगा न्यू शूट का, बहुत लंबा समय ले लेता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत से एंटिक पीस है, और हाँ अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो ये हालत हो जाएगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे मल्टीपल शूट ग्रो करने पर मजबूर करते हैं। आप नर्सरी से अगर पोनीटेल लेकर आएंगे तो कुछ ऐसी थैली में मिलेगा आपको, आपको इसकी थैली से सारी की सारी सॉइल मिक्स रिमूव करनी है। और दोस्तों प्लांट मरता नहीं है अगर आप ये प्रोसेस करते हैं क्योंकि पोनीटेल अपना वाटर अपने ट्रंक में ही स्टोर करके रखता है। फाइनली हमारा पोनीटेल लग चुका है दोस्तों बॉन्साई ट्रे में और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फिलहाल, बट हम चाहते हैं इसके ऊपर मल्टीपल शूट्स आ जाए, उसके लिए दोस्तों हम इसे कट करेंगे और नियरली ट्रंक बॉल के जस्ट 3 से 4 इंच ऊपर ही कट करेंगे जिससे हमारे पास मल्टीपल शूट्स मिले और प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे। नंबर 10 हिबिस्कस बॉन्साई। और दोस्तों जो बॉन्साई अगर फ्लावर प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है दूसरे बॉन्साई से, क्योंकि दोस्तों एक तो वो अपने आप में खूबसूरत भी होता है और उसके ऊपर फ्लावर आ जाए तो बात ही अलग हो जाती है। अब देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये और हमारे गार्डन में ऐड टू द ब्यूटी है। चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया और क्या इस स्टेज तक ये कैसे आया। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हमें इस प्लांट को यहाँ से निकालना पड़ा, बट आप चाहें अगर आपके पास मोटा हिबिस्कस का या फिर पुराना हिबिस्कस का प्लांट हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर से आप मोटा ट्रंक कट कर सकते हैं और उसे एक बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का प्रोसेस देख लें, आपको छाल को रिमूव करना है ताकि रूट्स ग्रो हो सके।
आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो ज़रूर यूज़ करें, और लूज सॉइल मिक्स लेंगे तो आपका हिबिस्कस का प्लांट बहुत जल्दी रूट प्रोड्यूस करेगा और अपने आप में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट लेकर आएगा। और बस कुछ दिनों में आपके पास हिबिस्कस बोनसाई रेडी है। और अगर आप चाहते हैं नर्सरी बैग से कैसे उसको हिबिस्कस बोनसाई बनाया जाए तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ कनेक्टेड रहना। नंबर 11, पीपल बोनसाई। और दोस्तों, अगर आपको पीपल की बोनसाई बनानी है तो उसे खरीद कर मत लाइए, उसको हंट करिए ताकि एक प्लांट का भविष्य भी सुधर जाए और आपके पास एक फ्री की बोनसाई आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्री का पीपल का एक छोटा सा प्लांट मिल चुका है, चलिए इसका भविष्य सुधार देते हैं और इसको एक बोनसाई ट्रे में लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, आप छोटे से पीपल के पेड़ को भी बोनसाई ट्रे में लगा सकते हो। चलिए इसे कैसे लगाना है सही तरीके से वो देख लेते हैं। बेस्ट मेथड तो ये है कि आपको एक प्लांट लाना है, उसको बड़े से गमले के अंदर लगा देना है और करीब 1 से 2 साल उसे छोड़ देना है ताकि उसका ट्रंक मोटा हो सके। और बस उसका ट्रंक करीब 1 फीट 2 फीट का हो जाए, उसके बाद आप उसकी हाइट हाफ कर दें जैसे यहाँ पर करा गया है, एंड देन पीपल प्लांट की रूट्स को क्लियर करके उसको एक बोनसाई ट्रे में शिफ्ट कर दें। और दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में प्लांट की जो रूट्स होती है वो हमेशा वाटर में रहनी चाहिए, इससे प्लांट कभी मरता नहीं है। नंबर 12, बोनसाई मॉस। अगर दोस्तों आप बोनसाई ग्रो कर रहे हैं और उस पर मॉस नहीं है तो दोस्तों बोनसाई की खूबसूरती डाउन हो जाती है, और एक मॉस ही ऐसी एकमात्र चीज़ है जो बोनसाई को एक ओल्ड एशियंट लुक देने के साथ साथ तो उसको ब्यूटीफुल भी बनाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे प्लांट के ऊपर मॉस लगी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा एज में लग रहा है। सबसे पहले सीखते हैं मॉस को कैसे लगाते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं। तो आपके प्लांट के ट्रंक के जस्ट पास आपको मॉस को ग्रो करना है और मॉस अपने आप वहाँ से फिर पूरे पॉट में ग्रो होने लग जाएगी। आप छोटे छोटे स्टोन से भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं, और आपको हल्के हाथों से मॉस को प्रेस करना है ताकि वो सॉइल के अंदर एक बार फिक्स हो जाए, और यहाँ पर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना वरना मॉस बहुत जल्दी डाई हो जाती है। चलिए सीख लेते हैं मॉस को कैसे कलेक्ट करना है और ये कहाँ उगती है। तो दोस्तों, ये ऐसी जगह उगती है जहाँ पर मॉइस्चर 99% पूरे साल भर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैडिंग हमारे पास है, और दोस्तों ये ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है, वो भी दीवालों पर। और दोस्तों, ये ज़्यादातर पुरानी दीवालों पर ग्रो होती है, तो हम सेम टू सेम सिचुएशन घर पर भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर करिए। हमने पुरानी ईंटों के ऊपर मॉस को ग्रो करा है और उसको निकालने का तरीका आप देख लें, डिटेल वीडियो जरूर आएगा कभी और, बट अभी यहाँ पर आप छोटी सी क्लिप देख लें इसे कैसे कलेक्ट करना है। क्यों दोस्तों, इजी है ना? तो हमारा लाइक टारगेट तो आपको याद है ना, 5000 लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 13, बोनसाई फॉरेस्ट। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप बहुत सारे फाइकस के पौधे लाइए और एक साथ ग्रो कर दीजिए। और अगर पौधे नहीं ला सकते हैं तो उनकी कटिंग्स लाइए और कटिंग्स ग्रो कर दे। यहाँ पर हमने ये कटिंग ही ग्रो करी थी और देखें अपने आप में ये कितना बड़ा जंगल बन चुका है रूट्स का। अब दोस्तों, समय आ गया है इनको ट्रांसफ़र करने का, और हमने 2 पॉट सेलेक्ट करे हैं, एक तो ग्रीन है और एक ब्राउन है। बट यहाँ पर ब्राउन कलर वाला ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपने आप में, और हमारे पास जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए हमने ब्राउन वाला सेलेक्ट करा। तो दोस्तों, आपको भी सेम ऐसा ही ट्रिक यूज़ करना है और बहुत जल्दी आपको एक बोनसाई फॉरेस्ट रेडी मिलेगा। ट्राई करना कि फाइकस माइक्रोकार्पा का यूज़ करें क्योंकि उसकी रूट्स बहुत जल्दी निकल जाती है। नंबर 14, कोनोकार्पस बोनसाई। दोस्तों, ये कोनोकार्पस का प्लांट है और ये इतना जल्दी बढ़ता है, मतलब अगर फाइकस साल भर में अगर एक ब्रांच निकालेगा तो ये कोनोकार्पस 4 ब्रांच निकाल देगा। तो अगर आप बिगनर है और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप डेफिनेटली इस प्लांट को ज़रूर ट्राई करना। कोनोकार्पस को प्रून करने के 1 महीने बाद ही वो उतना ही बड़ा शेप ले लेता है जो पहले उसे कट करा गया था। तो अब आप समझ गए होंगे ना इसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है ग्रो होने की। इसको बस लूज सॉइल मिक्स और रोज़ पानी दिया जाए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाता है छोटे से पॉट के अंदर। फाइनली नंबर 15, जिनसेंग फाइकस। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल ही बोनसाई बनाना ही नहीं है पर फिर भी आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली जिनसेंग फाइकस ट्राई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन भी मिल जाता है,
छोटे से पॉट में ये काफ़ी लंबे समय तक ग्रो हो सकता है, और अगर आप चाहें तो सिमिलर वे में हमने जैसे इस बॉन्साई ट्रे में इसे डाला है, आप भी वैसे के वैसे डाल के एक बॉन्साई, ब्यूटीफुल बॉन्साई का लुफ्त उठा सकते हैं। एक्चुअल में तो ये बॉन्साई नहीं कहलाता है, बट एक मोटी रूट के ऊपर फाइकस की कटिंग्स को ग्राफ्ट कर देते हैं, तो ये दोस्तों एक दूर से बॉन्साई का शेप में ही एक प्लांट नज़र आता है। तो आप इसे अपने कलेक्शन में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये इंडोर कंडीशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है। तो आपको बॉन्साई ट्रे में अगर शिफ्ट करना है तो आपको ऊपर ऊपर की सॉइल रिमूव करनी है, थोड़ी बहुत नीचे की रूट्स को लूज़ कर सकते हैं और बस इसे प्लांट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी गार्डनिंग।